हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पंचर रिपेयर करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में कैसे रिपेयर कर सकते हैं पंचर को आपको ये बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी आप बाहर पंचर रिपेयर कराते हो, आपका पंचर रिपेयर करने की कॉस्ट लगभग 50-60 रुपये 70 रुपये के आसपास पंचर वाला ले लेता है और वो भी इफ़ेक्टिव वे में रिपेयर नहीं होता है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में रिपेयर करना बताता हूँ, जिसको आप कभी भी कहीं रास्ते में हो, हाईवे पर कहीं जा रहे हो, अपने आप रिपेयर कर सकते हो और इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सबसे पहले देखिए, ये मेरी गाड़ी में यहाँ नेल लगा हुआ है, ये किस काफ़ी डीप यहाँ अंदर घुसा हुआ था, काफ़ी अंदर था। पहले तो उसको समझिए कि इसको निकालना कैसे है। सबसे पहले अपनी गाड़ी को आप गियर में डाल दीजिए और इस तरह से डालिए कि ये जहाँ पर पंचर है वो लोकेशन आपके सामने आए, जहाँ पे आप इजीली उसको रिपेयर कर सकें, ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हम लोग गियर में डाल देते हैं। टायर को थोड़ा पहले नीचे कर लीजिए ताकि गियर में डालने के बाद आप इसको जब ऊपर नीचे करें तो एग्जैक्ट जगह पर आ जाए। तो पहले इसको गियर में डाल लेते हैं। अगर गियर में ना पड़ रहा हो तो टायर को थोड़ा हिला डुला लीजिए तो गियर में पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास प्लकिंग टूल यानी प्लास या कुछ खींचने वाली चीज़ ना हो तो इसको इस तरह से पकड़ करके आप बाहर खींच सकते हैं, जैसे कि मैं खींच रहा हूँ। ये नेल देखिए, काफ़ी बड़ा नेल है और इसने काफ़ी डीपली पेनिट्रेट कर दिया है, हवा निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको रिपेयर कैसे करते हैं देखिए, वैसे सिंपली हमारे पास एक ये टूल होता है जिससे कि हम इसको छेद को पेनिट्रेट करते हैं और इसके बाद इसमें जो हमारे पास स्ट्रिप होती है वो इंसर्ट कर देते हैं। बट मैं बिना इसका यूज़ किए आपको बताऊँगा कि पंचर कैसे रिपेयर करते हैं, और क्योंकि इससे टायर का थ्रेड काफ़ी डैमेज होता है तो अगर आप कोशिश करिए कि अगर इसके बिना आप कर पाएँ। इसके लिए पहली चीज़ तो आपको बहुत सब्र चाहिए और थोड़ी स्ट्रेंथ आपको उसमें लगानी पड़ेगी, तब आपका पंचर रिपेयर हो पाएगा। तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये देखते हैं। इस तरह का एक टूल मार्केट में आता है जिसमें कि इस तरह से इस बत्ती को फंसाया जाता है, इस बत्ती को बिल्कुल बीचों बीच फंसाया जाता है। दोनों तरफ आप इस तरह से इसको करके देख सकते हैं कि ये बीचों बीच दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और आप इसको इस तरह से फंसा लीजिए और ये स्ट्रिप, इससे एक पतली स्ट्रिप भी आती है, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये मोटी वाली स्ट्रिप लीजिए, ये इससे डबल लंबाई की होती है लगभग इतनी बड़ी, और फिर हम इसको काट के आधा आधा बाइक में यूज़ करते हैं। तो ये वाली स्ट्रिप आप यूज़ करेंगे तो आपका पंचर जो है वो कभी लीक नहीं करेगा, और आप पतली वाली स्ट्रिप लगाएंगे तो वो लो क्वालिटी की होती है और उससे पंचर लीक करता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कौन सी पंचर स्ट्रिप यूज़ करता हूँ आपकी। मैं ये आपकी पंचर स्ट्रिप यूज़ करता हूँ जिस पर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, मेड टू यूएसए स्टैंडर्ड न्यू एरा। ये पंचर स्ट्रिप मैं यूज़ करता हूँ जो कि बड़े पैक में आती हैं और 12-12 की एक स्ट्रिप होती है, 12 या 6 पीसेज होते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिप हमने प्रिपेयर कर ली है उसको सिलोशन लेकर के, ये सिलोशन है या रबर एडहेसिव भी कहते हैं इसको, हम लोग इसको ले लेंगे। ये मैं हमेशा अपने पास पंचर किट में रखता हूँ। इसको इस पर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये दो काम करता है, पहली बात तो एक्स्ट्रा जो एयर लीक हो रही होती है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, दूसरा ये लुब्रिकेट करके इस स्ट्रिप को अंदर जाने में मदद करेगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और काफ़ी सब्र चाहिए, तो अगर आपसे डायरेक्टली आप इसको इंसर्ट ना कर पाए तो बेकार की मेहनत ना करिए। पहले आप इस टूल को लेकर के इसमें पेनिट्रेट करके थोड़ी सी जगह बना लीजिए, फिर इसको इंसर्ट करिए। तो आइए हम इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये मैं इस पर लगा करके इंसर्ट करता हूँ। ये इसमें हो नहीं पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, अब इस टूल का हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं बिना इस टूल का यूज़ किए पहले ऐसा कर चुका हूँ, बट ये क्योंकि बहुत थिन होल है इसलिए इसमें जा नहीं रहा है। तो आप इसको इस तरह से पेनिट्रेट करिए, बहुत ज़्यादा आपको पेनिट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सिर्फ और सिर्फ जगह बनाइए। और हाँ, एक बात और, जब आपका नेल लगा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नेल का जो लोकेशन है वो सीधा है कि तिरछा है। इसको देखने के लिए एक कॉपर वायर ले लीजिए और उसको उसमें डाल कर, यहाँ तो हमारे पास नेल हमें पता है कि सीधा निकल रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में इसको अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको घुमा घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं, इसको घड़ी की दिशा में स्क्रू की तरीके घुमाते चले जाइए, उसी तरीके से ये बना होता है।
कि जब इतना आपका पेनेट्रेट हो गया है, आप इसको वापस इस तरीके से घुमा घुमा के निकालिए। और हाँ, इसको खींचिएगा नहीं, इसको घुमा घुमा करके ही निकालिएगा, खींचिएगा नहीं, नहीं तो उससे थ्रेड आपका और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको घुमा के निकाल लेते हैं। अब जगह काफ़ी बन चुकी है, मेरे ख्याल में हमारा काम हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन को ले करके थोड़ा सा हम इसके मुँह पर भी अंदर भी लगा देते हैं चिकनाहट के लिए, जिससे स्ट्रिप आराम से चली जाए। और सोल्यूशन लगाने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे आपकी ये स्ट्रिप ईजिली अंदर आराम से चली जाएगी। आप अच्छे से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम फिर से ट्राई करेंगे एक बार। ये हमने लगाया और हम इसको घुसेड़ रहे हैं, ये जा रहा है अंदर, और एक आध बार अगर ना जाए तो थोड़ा ताकत लगा के फिर से ट्राई करिए, बार बार धक्का दे करके ट्राई करेंगे तो ये चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा लोकेशन चेंज करके ट्राई करता हूँ, आप लोगों को दिखाना भी है इस वजह से कि थोड़ा सा मुझे अपना एंगल चेंज करना पड़ रहा है। और सोल्यूशन लगा देते हैं, थोड़ा और पेनिट्रेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ट्राई मारते हैं फिर से। हाँ जी, अब ये चला गया है। देखिए अभी इसको अंदर कितना ढकेलना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको अंदर इतना ढकेलना है कि जब आपकी इतनी स्ट्रिप बाकी रहे तब आप इसको रोक करके खींचना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अब मैंने इसको ये ढकेलना शुरू किया, अब ये इतनी स्ट्रिप बाकी है तो आप इसको छोड़ दीजिए और इसको खींच लीजिए। ये आपका पंचर अब रिपेयर हो चुका है। और अब ये किसी भी हालत में पूरी होल लाइफ जितना ये टायर चलेगा, किसी भी हालत में गारंटीड लीक नहीं कर सकता है। अब इसको कम से कम 15 मिनट आप ऐसे रहने दीजिए। अगर आप जल्दी में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काट के हवा भरा के आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो इसको मेरा सजेशन है 15 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 15 मिनट के बाद आप एक कटिंग टूल ले करके इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जितना कि टायर के घिसने वाले हिस्से से बाहर निकला है, सिर्फ उतना काट दीजिए। उससे ज़्यादा काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ थ्रेड के अंदर के बजाय बाहर अगर होता और आपको यहाँ पे मान लीजिए पंचर होता, तो आप इस सतह के बराबर से इसको काट सकते थे। बट यहाँ पे आप अंदर नहीं काट पाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर का हिस्सा है। तो सिर्फ बाहर इसको थोड़ा सा काट दीजिए और छोड़ दीजिए। इसके बाद ये पूरी तरह से सूख जाएगा, बचा कुचा जो भी हिस्सा है वो अपने आप चलने में निकल जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके पास हवा भरने का कोई टूल नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब आप नेल को बाहर निकाल रहे हैं तो जैसे ही नेल को बाहर निकालें आप इस टूल को लगा दीजिए और पेनेट्रेट करके इस तरीके से छोड़ दीजिए, और दो चार बार करके, जिससे पूरी हवा ना निकले, थोड़ी बहुत तो निकलेगी बट पूरी नहीं निकलेगी, इस तरह से छोड़ दीजिए। और फिर ये स्ट्रिप जो है तैयार कर लीजिए अच्छे से चिकना करके। जैसे ही आप इस टूल को बाहर खींचेंगे, इस स्ट्रिप वाले टूल को उसमें फिट कर दीजिए। तो जैसे इसको फिट कर देंगे, हवा नहीं निकलेगी, और फिर अंदर लगा दीजिए। थोड़ी हवा आपकी ज़रूर निकलेगी, बट इतनी हवा आपके टायर में बची रह जाएगी कि आप बिना आगे हवा भराए आराम से चल सकते हैं। और आगे कहीं भी आपको हवा वाला कोई भी मतलब पंचर रिपेयर शॉप मिल जाए, या हवा जहाँ पर हो वहाँ से भरा के आप कंटिन्यू अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है आपका है। और मैं कम से कम, मेरी गाड़ी को 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं तब से इसे यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मेरा पंचर एक बार बनाने के बाद कभी लीक नहीं हुआ। और यहाँ पर आपका खर्चा कितना आ रहा है, 3 रुपये का ये स्ट्रिप पड़ता है, 3 रुपये का ये खर्चा है, और आपका ये ट्यूब मान लीजिए 6-7 रुपये का है, पूरा भी लग जाएगा तो भी मान लीजिए 10 और 3 13, हार्डली 15 रुपीज़ का आपका एक्सपेंस होगा। और इसी के लिए आपका पंचर वाला आपसे 50 से 60 रुपये लेता है, और वो भी आपका पंचर 10 से 15 दिन 20 दिन 30 दिन चलने के बाद लीक करने लगता है। इस तरह से पंचर अगर आप बनाते हैं तो गारंटी है कि ये किसी हालत में लीक नहीं करेगा। ये 4-व्हीलर्स 2-व्हीलर्स दोनों में आप इस तरीके से पंचर बना सकते हैं, किसी भी तरीके से। ये स्ट्रिप है दोस्तों, ये स्ट्रिप पूरा इतना बड़ा आता है, मैं आपको अपने अगले वीडियो में अगर हो सका तो दिखाऊंगा ओरिजिनल स्ट्रिप। इसको मोड़ करके बराबर बराबर 2 भागों में काट लिया जाता है। ये 6-6 के पीस में आता है, इस तरीके से ये दिखता है देखिए।
और ये मोटा स्ट्रिप है, ये पतला नहीं है। पतला स्ट्रिप मेरे पास नहीं है, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाता। वो पतला स्ट्रिप बिना बेकार का होता है, काम का नहीं होता है। देखिए इसमें अच्छी खासी चिकनाहट है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये स्ट्रिप बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, ये आपको मिल जाएगा शॉप में। ये इस लेंथ का आता है और इसको हमें आधा काटना होता है। अभी किस पर्पज़ से पूरा आता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाइक में आधा ही लगेगा आपका, ठीक है। तो आधा आधा आप काट लीजिए। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। हाँ, ये याद रखिएगा कि पंचर बनाने की स्ट्रिप जो है वो इस तरह से किसी ज़िपर पाउच में आप ऐसे रख करके बहुत अच्छे से पैक करके रखिएगा कि इसमें हवा ना लगे। अदरवाइज़ जो इसका मटेरियल है चिकनाहट वाला वो सूख सकता है और पंचर स्ट्रिप आपकी मतलब ख़राब हो सकती है, फिर उसमें उतना पकड़ जो है वो नहीं रह पाएगी। तो इस तरीके से ये आपका इसको आप रख सकते हैं ज़िपर पाउच में सील करके। ऊपर से मैंने इसमें टेप ही लगाया हुआ है, मैं इसको इस तरीके से रैप करके रखता हूँ, ऐसे रैप कर देता हूँ और फिर टेप भी लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। ये एयर टाइट है। इसके अलावा जो चीज़ आपको पंचर किट में होनी चाहिए उनमें आपका एक काटने वाला टूल होना चाहिए। काटने वाला टूल आप इस तरह का ले सकते हैं जैसा कि ये है, बस इसको संभाल करके यूज़ करिएगा क्योंकि इसमें फिर आपका जो स्ट्रिप का चिकनापन आ जाता है तो फिर ये थोड़ा हाथ से फिसलता है, तो आप इसको संभाल के यूज़ करिएगा, बहुत शार्प होता है। रास्ते में अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो हाथ वगैरह जैसे आप क्या कहते हैं कट जाता है या चोट लग जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और इस वजह से थोड़ा सा आपकी फील्ड ड्रेसिंग किट भी आप अपने पास रखिए, वो भी बहुत काम की चीज़ होती है रास्ते में अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं। एक ये टूल बहुत काम का होता है, इसे कौवा प्लस या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में आपका मुझे ध्यान नहीं है टी प्लस या जो भी कहते हो, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। ये नॉर्मल प्लस से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है खींचने के लिए और इससे आप कोई भी चीज़ इवन नट वगैरह पकड़ करके हल्का फुल्का रिपेयर कर सकते हैं। कई चीज़ों में आप इस प्लस से को यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा सा वेट आपका बढ़ेगा बट मैं इसको हमेशा अपने बैकपैक में रखता हूँ। तो ये मेरा पंचर किट है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा हुआ है। एक ये पंचर स्ट्रिप है, एक सीज़र भी है छोटी सी, और आपका ये बनाने वाला टूल है जो कि मैं इसी में रखूँगा। साथ में ये आपका रिपेयरिंग टूल है, इसमें ये लिमिटर भी लगा हुआ है। लिमिटर ना हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितना मैंने बताया उतना स्ट्रिप इंसर्ट करिएगा, अदरवाइज़ ये लिमिटर होता है आपको रोकने के लिए, पंचर स्ट्रिप को ज़्यादा डीप जाने से रोकता है। क्योंकि अगर आप पंचर स्ट्रिप को बहुत ज़्यादा डीप अंदर कर देंगे तो वो पूरी ही घुस जाएगी, फिर वो दिक्कत होगी, आपको दूसरा पंचर स्ट्रिप प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये लिमिटर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, फिर मैं अगली बार दूसरा वीडियो आपके लिए लाऊँगा। जो भी काम की चीज़ मुझको पता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ठीक है, बस मैं अभी इसी के साथ में, ये मेरा पंचर रिपेयर हो चुका है और आपको काट के और दिखा देता हूँ कि इसको कैसे काटना है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये कटिंग टूल हमारा लिया, ठीक है, इसको यहाँ से शुरू करके नीचे से देख करके और इस तरह से इसको आप पीछे से पकड़ के ऐसे काट सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है तो इतनी ईजिली नहीं कटेगी, आपको थोड़ा पीछे से फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें, ध्यान से थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए कटेगा। आप इसको सिर्फ और सिर्फ हल्का हल्का अगर आप चलाते हुए काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा पीछे से फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इसको इस तरह से काट रहा हूँ जिससे कि हाथ आपका सुरक्षित रहे। और इसको हाँ दोस्तों खींचिएगा नहीं, अगर ये कट नहीं रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बाद में काट लीजिएगा, जब ये सूख जाएगा तो आराम से कट जाएगा, लेकिन खींचिएगा हरगिज नहीं क्योंकि इससे फिर आपका पंचर जो है ख़राब हो सकता है। तो पीछे से इस तरह से फोर्स लगाते हुए आप इसको काट सकते हैं। अभी कट चुका है, आप इसको अपोजिट साइड से यहाँ से शुरू कर सकते हैं काटना इस तरीके से। थोड़ा बचा करके काटिएगा क्योंकि यहाँ पे ये बहुत चिकना होता है तो दिक्कत करता है।
यहाँ पे एक्चुअली मैं ये लोकेशन जो है कैमरे की वजह से मेरा थोड़ा बन नहीं पा रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ये देखिए बचा हुआ हिस्सा इसका निकल आया है, अब इसको आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और जो बचा हुआ जो भी हिस्सा है वो आपका ऑटोमेटिकली जब आपकी गाड़ी चलेगी तो वो बैठ जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको एजिट छोड़ दिए, बस बहुत ज़्यादा हिस्सा इतना ना निकला हो कि टायर से रगड़ खा के पंचर स्ट्रिप आपकी बाहर आ जाए, इतना हिस्सा ना निकला हो, बाकी तो आप निकला भी हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एज मच एज जितना आप इसको काट सकते हो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बचा भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पंचर केयर पंचर रिपेयरिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको इतना ही करना है। और इससे आप अपने कम से कम 50-60 रुपये जो पंचर वाले लेते हैं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं वो आप सेव कर पाएंगे, और इससे आपका टायर भी डैमेज नहीं होगा। अगर आप पंचर वाले से बनवाएंगे तो वो अपने काम को आसान करने के लिए कई बार उसको अंदर बाहर रिपेयरिंग टूल को, रबिंग टूल को पेनिट्रेट जो करता है उसको करके आपके टायर का थ्रेड ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक या दो बार सिर्फ उसको यूज़ किया है, वो भी जितनी ज़रूरत में आपका वो पंचर स्ट्रिप लगनी थी। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि वो पंचर स्ट्रिप पतली लेकर के भी उसको कई बार पेनिट्रेट करते हैं तब जा करके उसको अंदर डालते हैं। यहाँ पे मैंने उनसे मोटी स्ट्रिप ली है और कितनी आसानी से वो ईजिली चली गई है, तो आप समझ सकते होंगे कि वो जहाँ तक है यही कोशिश करते हैं कि वो आपका टायर ख़राब कर दें ताकि आप उन्हीं से अपना काम वम करवाइए या उन्हीं से रिपेयर करवाइए। तो इस स्ट्रेटजी को समझिए और अपने आप खुद एफिशिएंट बनिए कि आप अपना पंचर वगैरह रिपेयर कर पाएँ इस तरीके से। ये सबसे बेटर तरीका था, विदाउट एनी प्रॉब्लम पंचर रिपेयर किट हार्डली आपकी 100-150 रुपये की आएगी। ये सारे टूल मिला करके टोटल भी खर्चा आपका 200-250 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। उसको हमेशा अपने बैकपैक पर रखिए क्योंकि बाइकर्स को हमेशा एक बैकपैक में हमें ज़रूरत की चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा रखता हूँ। और नियर बाई की बात अलग है, आप अपने आसपास कहीं जा रहे हो, बट अगर आप मोर देन डिस्टेंस जा रहे हैं 20-50 किलोमीटर्स तो एक बैकपैक में अपनी ये किट जरूर का रखिए, आपकी हमेशा काम में आएगी। ये आपका पंचर अब रिपेयर हो चुका है, मेरी हीरो हंग गाड़ी है और इसका मैंने ये ट्यूबलेस टायर है आपका MRF का जैपर बाई, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर ये रिपेयर कर दिया है, और जो कि इस नेल से आपका पंचर हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको इससे कुछ काम की बात ज़रूर पता लगेगी, ये आपसे काम ज़रूर आ पाएगा। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। लाइक और शेयर करते हैं तो दैट विल बी अप्रिशिएबल, बट अगर ये आपके काम आता है देन मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।